मूवी देखने गए थे आई कल कल मुझे हाउस अरेस्ट करके खुद मूवी देखने चले गए वो और मुझे ना आज तक कभी नहीं लेके गए। एक सेकंड, आई मल्हार जी मूवी देखने गए, ये कैसे हुआ? पता है अत्थर, आज ना मैं किसी से गुस्सा हूँ। किसी से मतलब बाबा से ही होते हो आप। मुझे तुम पर गुस्सा होना चाहिए ना, तुम क्या मुझे गुस्से से घूरे जा रही हो? अर्थात बेटा, सर आपने बाबा से पूछना तो कि कल जो उन्होंने मूवी देखी वो कैसी लगी इन्हें, जो ये अकेले देखने गए थे। बाबा, आप हम लोगों को अकेले छोड़ के पिक्चर देखने गए, बच्चों को अकेले छोड़ के? वेरी बैड। अब हमें कहाँ लेकर जाएंगे? हम तो तुम्हारे बाबा को काटने दौड़ते हैं ना। हमारे साथ तो इन्हें घर पे लैपटॉप पे मूवी देखना भी पसंद नहीं है। वाह, कल्याणी, मैं अकेले नहीं गया था, पवार भी था साथ में, और दूसरी टिकट पे। अच्छा, तो ये बात देखा अत्थर बेटा, पवार काका के साथ कॉर्नर में बैठ के मूवी देखना इन्हें पसंद है, लेकिन हम तो इन्हें बहुत बुरे लगते हैं ना। बस बहुत हो गया। अत्थर, मैं ना अभी जा रही, लेकिन तुम अपने बाबा से कह दो ना कि अगर वो चाहे तो आज कोई दूसरी मूवी देख के आ सकते हैं पवार काका के साथ। बाबा, आपने आई को गुस्सा दिलाया, मैं आपको ठीक चुक। अत्थर, बस बहुत हो गया। मोक्ष, नहीं, रोते नहीं। बाबा बहुत गंदे, आप मेरे पे ही चिल्लाते रहते हो, जब देखो मोक्ष भी डर गया। मैंने नहीं करनी आपसे बात। सॉरी बाबा, नहीं चिल्लाएंगे, आ जाओ गोद में। नहीं, रोते नहीं बाबा, है ना बाबा, बिल्कुल नहीं चिल्लाएंगे। हाँ बाबा, मुझे नहीं बोलोगे सॉरी? अच्छा अत्थर, सॉरी तुम पे भी नहीं चिल्लाऊंगा। आप ऐसे ही बोलते हो। बैठे कर, अच्छा बैठ जाओ। कल्याणी कुछ काम से गया होगा ना, कोई मुजरिम छुपा होगा सिनेमा हॉल के अंदर, इसलिए गया होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमें जाने में देर हो रही है ना। आई, वो क्या है ना, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है कि हम ऐसे मामन जी को बिना बताए जॉब पे जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऐसे छूट के साथ शुरुआत करें क्या? और मामन जी को ऐसे अंधेरे में रखना, हम उन्हें बता देते हैं। तुम्हें सच में लगता है हमें उन्हें बता देना चाहिए? पता कि देखते तो हैं, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डांटेंगे ना हमें। कोई बात नहीं, थोड़ी सी डांट खा लेंगे हम, लेकिन ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो। एसपी, क्या हुआ, इतना अंधेरा क्यों है? और
सारी खिड़कियां भी बंद है और मामन जी हमें एक्चुअली बाहर चलो कर क्या रही है सुनिए 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 सभी लोग सुनिए क्या आप सब जानते हैं कि कपड़ों पे लगे दाग लगा सकते हैं रिश्तों में भी आग पता है कैसे अरे पढ़ना है सिंपल पति ने गिराया शर्ट पे जूस ठंडा और पत्नी पड़ गई पीछे लेके डंडा लेकिन लड़िए मत बुझाइए ये झगड़े की आग क्योंकि कल्याणी डिटर्जेंट मिटाएगा मुश्किल से मुश्किल दाग तीन फाइटिंग ग्रैन्यूल से बना झाग और कपड़े गाएंगे सफेदी का राग तो सोच क्या रहे हैं लाइन लगाइए प्लीज सफेदी सभी को मिलेगी ओनली इन रुपीज इसमें से 100 रुपए मेरे देशमुख यार तू तो मतलब यूर लाइक GOAT गोट हाँ करेक्ट गोट मैंने सुना है गोट मतलब ग्रेट ग्रेटनेस ग्रेट आई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स हाँ वही रचित तू अभी भी नहीं बदला ना आई देख रही हो क्या कर रहा है मुझसे हाई फाई करने के बाद ये हाथ सैनिटाइज कर रहा है अरे तुझको क्या लगता है हा? कि दुनिया के सारे जर्म्स बस तेरे पीछे पड़े हैं और क्या तू ही देख ले कितना बड़ा जर्म मतलब तू कहना क्या चाहता कि मैं कोई बीमारी पैदा करने वाला जर्म हूँ देख मुझे कराटे आता है ब्राउन बेल्ट मैं कल्याणी सर वायरलेस पहिर के बारे में कुछ खबर आई है पवार कल्याणी में नजर रखना हाँ झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं आई मामन जी रचित देख मामन जी को पता नहीं चलना चाहिए कि आयोग में जॉब करते हैं ठीक है मामू जी आप यहाँ तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो स्वरा को देखने घर पे लोग आ रहे हैं ना मैं मिठाई खरीदने बाजार आया था जाओ जाओ तुम दोनों घर जाओ हाँ मामन जी हम भी बस निकलते ही पूरी होने से पहले कनेक्शन कट हो गया जब तक पता नहीं लगेगा आहिर की मदद कौन कर रहा है तो हम पहुंचेंगे कैसे उस पे जी सर ये धुएं की मशीन लेके यहाँ क्या कर रहे हैं राव आज तो म्युनिसिपैलिटी की स्ट्राइक है ना जी सर स्ट्राइक है आज तो चेक करो कौन है आई ये इतना धुआं है ना इधर कि मच्छर से पहले तो इंसान मर जाएगा तुम नाक बंद करो अपनी हाँ Thank you.
ठीक हो ना, लगी तो नहीं ना? ऐसी कैसे गाड़ी हुई? Are you okay? हाँ, ये मैन होल खुला किसने छोड़ा है? इसमें तो कोई भी गिर सकता है। ये टायर, टायर कहाँ से आया? पता नहीं ये टायर कहाँ से आया कल्याणी, लेकिन अच्छा हुआ ये टायर आके टकरा गया, वरना तुम इस गड्ढे में गिर जाती। सर, सर आपका शक सही निकला। वो लोग कल्याणी मैडम पर हमला करना चाहते थे, और सर शायद इसीलिए उन्होंने उस गड्ढे के ढक्कन को खुला छुड़वा दिया था जानबूझकर। राहुल, जो म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी बन के घूम रहे हैं ना, वो आसपास ही होंगे, ढूंढो उन्हें। जी सर। मल्हार जी देखिए, मैं जो भी कहने जा रही हूँ ना, प्लीज वो सुन के आप गुस्सा मत होना, लेकिन स्वरा के लिए रिश्ता आया है अंदर। वो रचित की कंपनी में ही अच्छी पोस्ट पे काम करता है। ये तो बाबा का चश्मा है। बाबा को 24 घंटे चश्मा लगाना जरूरी है, क्योंकि उनकी नजरें इतनी कमजोर है कि घर पे भी चश्मा पहन के घूमना पड़ता है। एंड हो सकता है ना मल्हार जी कि अभी ये जो लड़का है वो स्वरा को एक्चुअली खुश रखे। बाबा कहाँ है? मल्हार जी, बाबा, बाबा कहाँ है? गणो, तुम्हारे बाबा अभी अभी रियाज के लिए बैठ रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने मना भी किया, पर तुम तो जानते हो ना वो कैसे हैं। किसी की बात मानते हैं क्या? मल्हार जी, मल्हार जी ये आवाज अभी तक कैसे आ रही है? मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? ये है बाबा का रियाज। एसीपी हूं मैं, इन सबको बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। जब बाबा का चश्मा मुझे बाजार में मिला था ना, तभी मुझे शक हो गया था। और तेरे औरंगाबाद आने की खबर ऑलरेडी आ चुकी है। We'll be right back.
कहाँ है? बाबा कहाँ है? कहाँ है बाबा? गड़ो, गड़ो छोड़ दे। कहाँ है बाबा? अहीर देखो जल्दी बता दो मामन जी कहाँ है? बताओ बाबा कहाँ है? मामन जी कहाँ है अहीर? अहीर बता दे कहाँ है बाबा? मल्हार जी, मैं जानती हूँ आप स्वरा के साखरपुड़े को लेके खुश नहीं है ना, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि स्वरा ये रिश्ता करके एक समझौता कर रही है। हो सकता है कि स्वरा मामन जी की तबीयत की वजह से इस रिश्ते के लिए राजी हो गई है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उधर सच में स्वरा के लिए सही हो। अब मल्हार जी, स्वरा के साथ जो भी हुआ, स्वरा ये बात अब जिंदगी भर लेके तो नहीं बैठ सकती ना। देखिए मल्हार जी, साखरपुड़ा हो जाने दीजिए, अगर उसके बाद भी आपको ये लगे कि स्वरा ये रिश्ता करके एक समझौता कर रही है, तो फिर मैं खुद मामन जी के पास जाकर उनसे बात करूंगी और ये रिश्ता तोड़ दूंगी। मल्हार जी, कल्याणी, मुझे एक बात बताओ, स्वरा के शादी के सफल होने का तुम्हें इतना भरोसा इसलिए है ना क्योंकि तुम भी एक जबरदस्ती की शादी को निभाते निभाते समझौता करना सीख गई हो, है ना? सच तो यही है ना कि तुम एक जबरदस्ती की शादी निभा रही हो। अगर तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से हुई होती तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होता। गलत कहा मैंने? नहीं ना, कुछ महसूस हुआ? कल्याणी, ये बचपने की बात है, दिल के पास हाथ ले जाऊंगा तो धड़कने ही महसूस होंगी ना। सिर्फ दिल की धड़कने ही महसूस हुई आपको? ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे रिश्ते की धड़कने भी हैं जो मेरे सीने में हर पल धड़कती है और मेरी आखिरी सांस तक, मेरी आखिरी सांस तक धड़केंगी। ये मायने है मेरा हमारे इस रिश्ते का मेरी जिंदगी में। और इतनी आसानी से मल्हार जी आपने हमारे रिश्ते को समझौते का नाम दे दिया। मुझे पता है आप अभी कहेंगे कि कल्याणी ये कैसी फिल्मी बातें कर रहे हो तुम, लेकिन क्या करूं मल्हार जी, जब इमोशनल हो जाती हूँ ना तब ऐसे फिल्मी बातें ही निकलती हैं मेरे मुंह से। पहलू का दूध गर्म करने जाना है।
और मल्हार जी, दोबारा ना आप ऐसी बकवास बातें मत करना, नहीं तो गुस्सा होगे ना, मैं अचानक से गायब हो जाऊंगी, फिर ढूंढते रहना आप अपनी कल्याणी को। जानता हूं कल्याणी कि तुमने इस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया है, लेकिन इस बात का पछतावा अपने दिल से कैसे निकालूं कि मैं कभी तुम्हारी पसंद ही नहीं था। मेरी तरह हमारा रिश्ता भी तुम पर थोपा गया है। और सर, आहिर ने एक आखिरी फोन कॉल करने की अर्जी दी है। मेरा शक सही निकला। फोन कॉल कर ले तो और उसका फोन टैप करो। क्या इनपुट लियो मैं? साहब ये शादी के लिए डेकोरेशन का सामान लेके जा रहा हूँ, धोबी घाट लेके जाना है धोने के लिए। खोलो। ये भी खोलो। ये बड़ी वाली पोटली में क्या है? वो साहब उसमें खोलो इसे। क्या नाम है तुम्हारा? अरे साहब मेरा नाम संदीप, संदीप नाम है साहब, संदीप। तुम्हारा? सब रवि, रवि नाम है साहब। क्या पुलिस वाले खा जाएंगे तुम लोगों को? अरे नहीं साहब, वो तो तुम ही लोगों की मदद के लिए है पुलिस। चलो क्या हुआ, सब कुछ खो गया क्या? हाँ वो आप ये ढूंढ रहे हैं कैसे? जा सकते हो तुम लोग। चलो रे जल्दी पोटली बांधो, जाने में लेट हो रहा है हम लोगों को शादी में। पता आई किधर है? नहीं पता। कल्याणी आई, कल्याणी आई, आई आई तो इधर है ही नहीं। पता नहीं ये
कल्याणी कहाँ चले गए? और ये धोबी लोग भी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ चले गए? पता नहीं मुझे कल्याणी को लेकर इतनी घबराहट क्यों हो रही है, ये ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गए? क्या हुआ तुम्हें? नाखून कैसे फेरे? ठीक तो मैं आप ही के पास आ रहा था, वो कल्याणी। क्या हुआ कल्याणी को? कल्याणी को कुछ लोग किडनैप करके ले गए। औरंगाबाद के सिख हम एसीपी मल्हार राणे, तुम्हारी इसी हिम्मत की कीमत अब तुम्हारी पत्नी चुकाएगी। ये तो ठीक है। ये वही लोग हैं जो इतने दिन से मुझे धमकियां भेज रहे थे। तो भी बन के आए थे सर, और कल्याणी को कपड़े में लपेट के ले गए। पीछे क्या है? अरे वो गंदे कपड़े हैं साहब, साहब ये धोबी घाट जा रही है गाड़ी। सर प्लीज कुछ कीजिए, कल्याण खतरे में। रिक्शा, तुम रिक्शे में जाओ, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मुझे पता है वो कल्याणी कहाँ लेके गए। मैं कल्याणी को हॉस्पिटल गया था, तुम जाओ। सर जी कल्याणी खतरे में, और वो खतरे में है तो मैं क्या करूंगा सर? रचित तुम्हें चोट लगी है, तुम डॉक्टर के जाओ। तुम मैं आपके साथ चलूंगा प्लीज। देखो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता रचित। तो प्लीज सर मैं भी चलूंगा। ठीक है चलो भैया जाओ। मलाजी कोई गलत कदम मत उठा लेना। मलाजी मैं आपके लिए और पिल्लू के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती हूँ। मलाजी प्लीज खुद का व्यथा। मेरे हाथों पे शुरू से लिखा है, मेरा हक है तू आसमानों से मुझे जोता है। तेरे कदमों पे जहाँ रख दूँ मैं कभी जो कहे तू, कोई शक हो तो आजमा लेना किसी दिन मुझे। मौजूद है हर सांस में पाऊंगा, सचमुच मर जाऊंगा। ये तय है, ये तय है। कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये खुद को गद्दार साबित करना तो एक छोटी सी चीज है। मैं आ रहा हूं कल्याणी। पता नहीं कल्याणी से क्या पूछताछ कर रहे हैं, अब तक वो घर कैसे नहीं लौटी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो काकी, दादा है ना वहीनी के साथ, और देखो ना मोक्ष ने भी रोना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स। काकी हम इस अनाथ आश्रम में क्यों आए हैं? स्वरा ये अनाथ आश्रम नहीं है, ये मेरा घर है। बचपन में
माँ बाप गुजरने के बाद मैंने और केशव ने 12 साल यहाँ गुजारे हैं, तो फिर ये तो हमारा घर ही हुआ ना। और पता है, तब मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, पैसे कमाने लगूंगी, तो इस अपने घर के लिए थोड़ा कुछ करूंगी। तो कल वो जो सेल के कमीशन से पैसे मिले ना, मेरा पहला पगार वो मैं इस अपने घर को दान करना चाहती हूँ। अरे बेटा, ऊपर नहीं, यहाँ नीचे बैठो। नहीं, नहीं। नीचे बैठो नहीं। सिस्टर कौन? अनु। अरे वाह वाह वाह, तुम्हें पता है, एक हफ्ते से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे तो आपकी हमेशा याद आती है। पता है सिस्टर, आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था कि जब मैं कमाने लगूंगी, जॉब करूंगी, तब मैं इस घर के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यस, तो सिस्टर अब मुझे नौकरी मिली है। गॉड ब्लेस यू माय डियर। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। थैंक यू सिस्टर। ये हमारा है। ये मेरा है। ये बालू है, हमारे घर का है ना। क्या कर रहे हो अथर्व? ये उसका है ना, खिलौना। नहीं, ये हमारे घर का है। नहीं अथर्व, उसका खिलौना है, दे दो उसे। अरे नहीं, ये हमारे घर का, ये हमारे घर का, ये सार्थक नाना लाए थे हमारे, है ना बालू? नहीं अथर्व, ऐसे खिलौने तो बहुत सारे मार्केट में होते, तो इसके पास दूसरा नहीं हो सकता क्या? अरे पर सार्थक नाना हमारे लेकर आया था, ये हमारा। अथर, वो रो रहे बच्चे, दे दो उसे अथर, छोड़ो। मेरा गुड्डा वापस कर दो। छोड़ो, ये लो बेटा। बालू इससे निपटते बाद में। रोते नहीं हाँ। अथर एकदम गंदा बच्चा है, तुम अच्छे बच्चे हो ना, उसे माफ कर देना। सॉरी। क्या नाम है तुम्हारा? शीति राणे। कल्याणी तो फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं। चाहते थे मैंने साबित कर दिया ना, पूरे डिपार्टमेंट के सामने मैं अपने आप को गद्दार साबित कर चुका हूं। क्या चाहिए और? हो गया ना साबित। खबरदार, जो कल्याणी को खरोच भी आई तो। सच बोल रहा है एसीपी, इसे डिपार्टमेंट ने निकाल दिया है। बलराज जी, क्या किया आपने? अरे क्या किया आपने बलराज जी? मैंने कहा था ना आपसे, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे और पिल्लू से
कल्याणी, तेरी बीबी तो छूट जाएगी एसीपी, लेकिन तुझे हमारे साथ चलना होगा। ज्यादा होशियारी की तो तुझे और तेरी बीबी को यहीं उड़ा दूंगा मैं। तू चाहता है ना मैं तेरे साथ चलूं? खबरदार कल्याणी को छुआ भी तो। कल्याणी यहाँ से सही सलामत घर जाएगी, उसी शर्त पे मैं तेरे साथ चलूंगा। कल्याणी बाहर रचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मलाड जी, समझ गए आप? मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली मलाड जी, मैं आपके साथ चलूंगी। छोड़ो मेरा हाथ मलाड जी। कल्याणी, मलाड जी देखिए आप प्लीज इन लोगों की बातों में मत आइए। कल्याणी एक बार मेरी बात सुन लो, एक बार घर चली जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप सोच भी कैसे सकते कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? भरोसा है मुझ पे मलाड जी, लोग बहुत खतरनाक है मलाड जी। कल्याणी भरोसा है मुझ पे मलाड जी, मैं आपको नहीं जाने दे सकती हूँ। कल्याणी मैंने पूछा, भरोसा है मुझ पे? है भरोसा, और इतना ज्यादा कि मैंने आज तक किसी पे इतना भरोसा नहीं किया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मलाड जी कि मैं आपको ऐसे जाने दूं। तो विश्वास करो मेरा कल्याणी, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं सही सलामत वापस आऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए तुम सही सलामत घर पहुंच जाओ प्लीज। नहीं मलाड जी। कल्याणी, कल्याणी मान लो मेरी बात, तुम्हें मेरी कसम है कल्याणी, तुम्हें मोक्ष की कसम है, हमारे बच्चे की परवरिश के लिए एक को सलामत रहना जरूरी है कल्याणी, और एक बच्चे के लिए उसकी माँ से जरूरी क्या हो सकता है। कल्याणी चली जाओ, तुम्हें मेरी कसम है कल्याणी, तुम मेरी ताकत हो, तुमसे ही मुझे हिम्मत आती है, भगवान के लिए मेरी कमजोरी मत बनो। क्यों मुझे आप खुद से दूर कर रहे? मैं नहीं रह पाऊंगी आप। अरे बंद करो ये लैला बच्ची की स्टोरी, ये क्या नौटंकी लगा रखी तुम दोनों ने? इसको भेजना तो भेज एसीपी, और तुझे हमारे साथ चलना है, ये बंद कर अपनी लव स्टोरी। तू चाहता है ना मैं तेरे साथ चलूं? कल्याणी सही सलामत यहाँ से बाहर पहुँचनी चाहिए, और मुझे इस बात का सबूत चाहिए कि कल्याणी बाहर पहुंच चुकी है बिना किसी खतरे के। बाहर का क्या तमाशा लगा रखा है ये पुलिस स्टेशन है, कोई सब्जी मंडी नहीं। एक्सक्यूज मी, आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज एसीपी मल्हार राणे की पत्नी हूँ मैं। तुम उसकी पत्नी हो और ये भी नहीं जानती? अब वो इस थाने का इंचार्ज नहीं है, इस थाने का नया इंचार्ज मैं हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मजाक चल रहा है कोई यहाँ पे? मजाक चल रहा है यहाँ पे कोई? ये सब नाटक करके कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पति गद्दार है, चीफ मिनिस्टर की जान लेना चाहता है, जिस दिन वो पकड़ा जाएगा ना कड़ी से कड़ी सजा होगी। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इसका मतलब मदार जी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन लोगों ने उन्हें करने को कहा था। मलाड जी, नहीं, मेरे मलाड जी गद्दार नहीं है, नहीं है वो गद्दार। पवार काका आप तो कहिए नहीं थे, आपको तो भरोसा है ना मलाड जी पे, आप जानते हैं ना मलाड जी को। और सच क्या है मैं बताती हूँ, कुछ लोग मलाड जी को बहुत टाइम से ब्लैकमेल कर रहे थे, उन लोगों ने मल्हार जी को कहा था कि वो मेरी जान ले लेंगे, और मेरी जान बख्शने के बदले उन्होंने कहा था कि मल्हार जी खुद को गद्दार साबित कर दे, इसीलिए मुझे बचाने के लिए मल्हार जी ने खुद को। मैं तो आपकी बात वो के पवार काका, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है ना मल्हार जी निर्दोष है,
जाओ काका, आप तो कुछ बोलिए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना मल्हार जी को इतने सालों तक काम किया आप दोनों ने एक साथ। अब कहिए ना, बताइए ना, ने मल्हार जी ने कुछ नहीं किया, मल्हार जी का दर्द नहीं है। आप सब चुप क्यों है? अरे चुप क्यों है आप सब? अरे कुछ बोलिए ना। ये सब तमाशा करके कुछ हासिल नहीं होगा, तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कमिश्नर अंकल यहाँ नहीं आ जाते। मैं करूंगी उनसे बात, मुझे यकीन है वो ना मेरी बात पे जरूर भरोसा करेंगे। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो मुझे धक्के मार के तुम्हें यहाँ से अभी बाहर निकलवाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, ये कोई तरीका है लेडीज से बात करने का? देशमुख, ये क्या कर रही है? नीचे कर इसे। देशमुख, कमिश्नर अंकल को यहाँ नहीं बुलाया ना तो उसके बाद क्या होगा? उस बात की गारंटी अब मैं भी नहीं ले सकती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी के अभी फोन उठाओ और कमिश्नर अंकल को यहाँ बुलाओ। कहा फोन करो। खोलो। आप कल्याणी की आई है ना, आप जिंदा कैसे हो सकती हैं? कल्याणी ने खुद आपकी चेता को आग लगाई थी। माई ने बताया था मुझे, मैं मल्हार राणे, कल्याणी का पति। कैसे पहुंची आप यहाँ पे? क्या हुआ है आपके साथ? कुछ बताइए ना मुझे। आप सुन रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम जानते हो मुझे कौन हुआ है? क्या नाम है मेरा? तुम्हें पता है कि मेरा घर कहाँ है? मेरा घर पता है तुम्हें? मेरा नाम पता है? तुमने अभी एक नाम लिया कल्याणी, कुछ सुना सा लगता है। कौन है ये कल्याणी? देखो लो दादा। तुझे हीर के यहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। इस चिप में तेरी सारी लोकेशन ट्रैक हुई है, बस पुलिस यहां पहुंचती होगी। उसको तोड़ने का फायदा नहीं है, लोकेशन ऑलरेडी ट्रैक हो चुकी है। अब तो पुलिस रास्ते में होगी, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। ओ दादा, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे पहुंचे हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। पैकिंग करो, तुम लोग ध्यान रखो यहाँ पे। चलो चलो चलो, इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। ये क्या किया तुमने? हाँ तुम पागल हो गए हो क्या? उन लोगों को पुलिस से पकड़वाने के लिए अपना हाथ काट लिया? ठीक हो ना? क्या? आराम से। आप होश में आओ। माफ करना आई, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो ना तो मैं आपको यहाँ से निकाल पाऊंगा और ना ही आपको दोबारा आपकी बेटी से मिलवा पाऊंगा।
हाँ साहब यहाँ सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। आप अपर्णाताई और संपदा के घर कुछ दिन और रुक जाइए। संपदा को मेरा प्यार दीजिए। कुछ ठीक नहीं है उसे, ये पहाड़ मुझ पर टूटने से कब बंद होंगे, अब और बर्दाश्त ही नहीं होता। जो रिद्धि को पापा ने ड्राइंग बुक और कलर्स भेजे थे वो कैसे लगे? सार्थक जी की सच का भार उठाने की अब हिम्मत नहीं है। अनुप्रिया जी आप ठीक तो है ना? नहीं, वो आपकी मिस कॉल देखी इसीलिए पूछा, क्योंकि आप तो मुझे फोन करती नहीं है। ठीक हूँ, वो गलती से लग गया था। सब ठीक तो है ना? आप औरंगाबाद में आए हैं? नहीं, औरंगाबाद आता तो आपको बताता नहीं क्या? अब फिलहाल दिल्ली में ही हूँ। आप बताइए ना क्या हुआ? नहीं बस ऐसे ही, आपके जैसे दिखने वाला कोई दिखा था, कोई और होगा। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। माई, माई की सार्थक भाव से बात कर रही थी ना? अच्छा है, ऐसे ही ना दिन में 4 बार उन्हें फोन किया करो। हाँ, अब देखो अतुल दादा को आपने इतनी छूट दी थी, क्या अंजाम हुआ उसका? हाँ, ऐसी गलती दोबारा सार्थक भाव के साथ बिल्कुल भी मत करना। अरे माई, इन मर्दों को ना ऐसे ताबे में रखना पड़ता है, वरना गए तो गए। हाँ, कर रहा था। मल्हार जी के बिना हर एक पल काटने को दौड़ता है। मेरी वजह से मल्हार जी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। प्लीज साईं बाबा, मल्हार जी की रक्षा करना और मेरी मदद करना कि मैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लूं। कैसे टपक पड़ी? सुनो, ध्यान से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में इसको ये नहीं पता लगना चाहिए कि वैन के अंदर मल्हार है।
चलें। मल्हारजी मेरे आसपास है पर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। मल्हारजी देशमुख, मैं समझ सकता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने अभी अभी वहां माधुरी को देखा? कौन थी वो औरत? कल्याणी हॉस्पिटल में, मुझे लगता है उसे पता लग गया कि मल्हार हमारे साथ है। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं कल्याणी को किसी भी हालत में अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा, फिर चाहे मुझे उसकी जानी क्यों ना लेनी पड़े। सॉरी आप भाई, मैं जल्दी में हूँ। कोई बात नहीं मैडम।
सॉरी। देशमुख तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो जो आंटी है ना वो मेरी माधुरी है। I know it's next to impossible. पता नहीं एक फीलिंग आई और ऐसा क्यों लगा समझ में नहीं आया। स्ट्रेस में कभी कभी ऐसा होता है। Don't be feel embarrassed, okay? अच्छा मैंने पूरा हॉस्पिटल देख लिया है, मलार सर कहीं भी नहीं है। चलो कल कहीं और ढूंढना होगा उन्हें। मुझे पता है तू टेंशन में है, मैं कुछ जैक लगा के उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अरे कहाँ भाग रही थी आप? आपको बोला ना यहीं लेटना है, डॉक्टर आ रहे हैं अभी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? मेरा नाम क्या है, मेरे घर वाले कौन है, मैं कहाँ रहती हूँ? आप एक काम करिए, आप उस लड़के को ढूंढिए, वो जानता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे घर वाले कौन है, वो कहाँ रहते हैं, उसे सब पता है। अरे आप कुछ नहीं जानती, उन लोगों ने उसे पकड़ के रखा, पहले आप उसे ढूंढिए प्लीज। एक मिनट रुको। हाँ सिस्टर, कल रात को तो नाइट शिफ्ट पे कल्याणी सिस्टर थी। कल्याणी? यही नाम तो बताया था उस लड़के ने। कौन है ये कल्याणी? कोई तो है ये मेरी। हाँ कल्याणी नाम था, कल्याणी नाम की लड़की का लड़के का कुछ तो रिश्ता है मुझसे। बाबा मैनेजर छोड़ा बाबा, ये लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे, लेकर आ गए इधर, आप भी इधर छोड़ो। अतर कुछ नहीं होगा तुझे, फिक्र मत कर। क्यों ना है तुझसे, क्या बिगाड़ा इसने तेरा? क्या करे दादा, इसने देख लिया था हम लोग को। इलाका है मेरा, गो बैक टू। अरे बालू, वो कुछ आ रहा नहीं था, सरकार का ऑर्डर था, इसे लाना पड़ा है यहाँ पे। अरे चाचा तुम्हें बाबा ने मारा था ना, तुम दोबारा पिटना चाहते हो क्या? बाबा बहुत मारेंगे तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, बाबा बहुत मारेंगे। अरे मामा, अरे खबरदार जो तूने कुछ किया तो। अरे बच्चों, मैं स्पाइडरमैन, मेरा दोस्त है, मैं बोल दूंगा उसको। ए पब्लिक कम, अरे तेरा खून पी जाऊंगा, छोड़ दूंगा। लात मारने का बड़ा शौक है ना तेरे को? जो हाँ मारना मारना। ए छोड़ो तुमको, छोड़ूंगा। मार इसको, मार मारेंगे तुम्हें, देखना। छोड़ छोड़ छोड़। I'm sorry यार देशमुख, मुझे नहीं पता था ये मिनिस्टर तुमसे इस तरह बात करेगा। तू क्यों सॉरी बोल रहा है रचित? अब एक तू ही तो मेरा सपोर्ट सिस्टम है, और उस मिनिस्टर की बातों से मैं अपसेट नहीं होने वाली हूँ। जब मल्हार जी के डिपार्टमेंट वाले खुद उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर मैं और क्या ही बोलूं। डोंट वरी, हम कल कोई ना कोई रास्ता निकाल के ना उन्हें ढूंढ लेंगे, बट अभी तो घर चल के रेस्ट कर। नहीं
रेस्ट वेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मेरे पास। हमें अभी हाँ एक काम कर, पुलिस स्टेशन चलते हैं। ऐसी लापरवाही की उम्मीद हमने तुमसे नहीं की थी पल्लवी। अरे दो दो बच्चों की माँ हो ना तुम, फिर अथर्व को ऐसे अकेले घर से बाहर भटकने के लिए कैसे छोड़ दिया तुमने? वो तो अच्छा हुआ कि अथर्व हमें मंडी में घूमता हुआ मिल गया। आओ साहब माफ कीजिए, वो क्या है ना, मैं कामों में लगी पड़ी थी ना, इसलिए मेरा ध्यान नहीं रहा। और माई, हाँ माई को जिम्मेदारी दी थी अथर्व की और वो ध्यान नहीं रख पाई। एक मिनट, मैं अभी माई को बुलाती हूँ। आप एक मिनट होल्ड रखना, मैं माई को बुलाती हूँ। माई, माई कहाँ हो आप? अरे सब बहाने हैं तुम्हारे। झूठ बोलती हो तुम। इसका मतलब अब हम कहीं दो हफ्तों के लिए भी बाहर जाए तुम तो सारा वाड़ा फूंक दोगी। अवघड़ है भाई। नहीं 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 औसेप, रुके दो मिनट, मैं अभी माई को बुला के ना पूछती हूँ। अरे अब रहने दो। मत बुलाओ अनुप्रिया को, हम अथर्व को अपने साथ अपर्णा के घर लेकर जा रहे हैं। जब आएंगे तो उसे अपने साथ ले आएंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है।